हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहाँ पे आपको स्कूल कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपको DU BEd 2022 के लिए ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ना है। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि आपको कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। बट आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल के लाया हूँ, और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर एनालिसिस करने के बाद है, जो भी DU BEd के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन्हें देखने के बाद ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो आपको किसी प्रकार से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इकोनॉमिक्स के से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं DU BEd के एग्ज़ाम में। तो साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे DU BEd के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो प्लस जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेम एज दिस वीडियो, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं सब्जेक्ट वाइज, उनके टॉपिक्स वाइज, वो आप सभी को मिल जाएगी। लाइक हमने साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो आप रीजनिंग वाली वीडियो ज़रूर देखने हैं, उसके बाद फिर साइंस वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि साइंस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अच्छे से अगर आपने टॉपिक को कवर कर लिया तो आपका आधा सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा फिर हमने सोशल साइंस के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये सब डिस्कस कर लिया, और आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के लिए, वो है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में आपको क्या पढ़ना है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी से जुड़े सिद्धांत होते हैं, वो सभी आपको डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ना है। लाइक डिमांड कब बढ़ती है, फिर डिमांड कब घटती है, सप्लाई अगर कम हो जाए तो क्या होता है डिमांड के साथ, इसके साथ इससे जुड़े जितने भी कर्व होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ इससे जुड़े जो फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं इससे जुड़े, वो भी सब आपको इसमें पढ़ना है, लॉ एंड डिमांड सप्लाई के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 10th क्लास के NCERT से ही जुड़ा हुआ है। बेशक जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपकी 10th क्लास के NCERT से नहीं जुड़ा हुआ है, बट सेकेंड जो है आपका बेरोजगारी के प्रकार, ये 10th क्लास के NCERT से ही है, और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आपको देखने को मिला होगा, अगर आपके पास अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लाइक जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के 3 प्रकार होते हैं, उन 3 प्रकारों के बारे में आपको जानना है और अच्छे से पढ़ लेना है कि किस प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पर देखने को मिलती है। लाइक गाँव, शहर और इन दोनों जगह पे हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। शहर में हमें शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है, या फिर एक छिपी हुई बेरोजगारी भी होती है, इसके अलावा फिर मानसूनी बेरोजगारी होती है। तो इस तरह से कुछ बेरोजगारियां होती है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे देखने को मिलती है। मोस्टली आपका जो छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रचंड बेरोजगारी, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जब NCERT उठाएंगे इकोनॉमिक्स की 10th क्लास की, तो उसमें आप को ईजिली ये एक्सेस मिल जाएगा कि बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे मोस्टली पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है फंक्शंस एंड वर्क ऑफ RBI, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और लास्ट ईयर जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो RBI के जितने भी फंक्शंस हैं, उसके वर्क होते हैं, क्या क्या उसके काम होते हैं, किन किन सिद्धांतों पर RBI काम करता है,
उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना है, क्योंकि आरबीआई से जुड़े मुद्दे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीयू बीएड के एग्ज़ाम में, और यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। सेम एज ये टॉपिक भी आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स की है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसे पढ़िएगा, या फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी होगी इकोनॉमिक्स की वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक रहेगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है जो फोर्थ, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन, क्योंकि यहाँ से भी लास्ट ईयर में जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको जरूर से जरूर कवर करना है। पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर अर्थात निजी क्षेत्र। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में क्या अंतर होते हैं और प्लस क्या क्या सिमिलैरिटी होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आपको इसके बारे में पढ़ना है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, प्राइवेट क्षेत्र क्या होता है, क्या क्या उनमें सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं, किस प्रकार से दोनों भिन्न होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों के बारे में पढ़नी है। एंड मेक श्योर जो भी आप पढ़ें उनके आप जरूर से जरूर नोट्स भी बनाएं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द रिविज़न वो सभी नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके क्विक रिविज़न में, क्योंकि रिविज़न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप एग्ज़ाम से पहले अपनी पढ़ाई को दोबारा से एक बार देखते हैं कि कितना हमने पढ़ा और कितना हमें आता है, तो एट द टाइम ऑफ रिविज़न आपको सारी चीज़ें रिकैप करनी होती है और जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम होता है, नोट्स हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने होते हैं, हमें सारे सिलेबस के नोट्स एक बारी में देखने पड़ते हैं, तो नोट्स ही वो चीज़ है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके रिविज़न में और आपको जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको रिकैप करने में, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा जितनी भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी ही को ही आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो 10th क्लास तक की जो सपोर्टिंग मटेरियल्स आती हैं, लाइक शायद 9th और 10th की सपोर्टिंग मटेरियल होती है, इसके अलावा 11th की भी सपोर्टिंग मटेरियल होती है, तो वो आप सपोर्ट मटेरियल से पढ़िए, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल में केवल फैक्ट दिए होते हैं और वही फैक्ट से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो सपोर्ट मटेरियल से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छे से समझाई गई होती है और क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से भी आपकी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं सपोर्ट मटेरियल से, वरना आप फिर अगर स्टोरी की तरह पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए और चैप्टर वाइज चैप्टर रीड करिए, साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा जो आपका फिर टॉपिक है वो ऑल डायमेंशन ऑफ पीपीएफ कर्व, तो यहाँ पे जो उत्पादन संभावना वक्र होता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये 10th क्लास तक की एनसीईआरटी में नहीं होता है, बट 11th क्लास की जब हम एनसीईआरटी पढ़ना चालू करते हैं तो वहाँ पे हमें उत्पादन संभावना वक्र के बारे में देखने को मिलता है, तो इससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी आपके सिद्धांत हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ना है, प्लस उत्पादन संभावना वक्र कब ऊपर उठता है कब नीचे गिरता है, इसके साथ और भी जितने भी नियम इससे जुड़े हुए हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पीपीएफ कर्व, या फिर आप इंटरनेट से भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट शायद 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन करा है ताकि आप इसे भी थोड़ा सा पढ़ लें और इससे भी थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। इसके अलावा फिर आपका इकोनॉमिक सेक्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अर्थव्यवस्था के इन तीन क्षेत्रों के बारे में हमें पढ़ना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों ही क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, तो उन अलग अलग विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, प्लस ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और किस प्रकार से दोनों इन तीनों के अपने अपने कार्य अलग अलग होते हैं और तीनों अपने इंडिविजुअली किस प्रकार से वर्क करते हैं, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बूम करने के लिए तीनों ही क्षेत्र कितने आवश्यक है, और इन तीनों ही क्षेत्र में किस क्षेत्र में अभी ज़्यादा वृद्धि देखने को हमें मिली है, क्यों, और साथ ही साथ इससे जुड़े जितने भी और फैक्ट्स होंगे वो भी आपको पढ़ने हैं, और ये टॉपिक भी आपको इजीली 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, इवन आप 11th क्लास की पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो कि इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ने रहेंगे और आपको कवर करने रहेंगे।
आई होप ये सारी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से, कहाँ से और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मोस्टली जो क्वेश्चन आने वाले हैं अभी 2022 में वो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे वो एकदम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं होते हैं, लाइक एक फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं होते हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको थोड़ा सा पजल करेगा, आपको थोड़ा सा फंसाएगा, क्योंकि जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे 2-3 ऑप्शन, उसमें से केवल एक ऑप्शन गलत रहेगा और बाकी 3 ऑप्शन आपके सही रहते हैं। तो उन 3 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन गलत वाला चुनना होता है। तो इसी में बच्चे ज़्यादा गलती कर जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आप मेक श्योर जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और जितना भी आप वहाँ पे करके आएँ वो अच्छे से करके आएँ। बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लीज़ और प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स रहते हैं जो कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, अपकमिंग डेज में आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल आप इतने ही टॉपिक के साथ काम कीजिए। और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ हैं, प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं मेरी, उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि उनमें भी जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि और आपको सारे ही सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप केवल उन्हीं को पढ़ लीजिए, तो शायद आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं अच्छे से हो पाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन लगभग अब हर साल बढ़ते जा रहा है और लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो शायद 250 पे ही रुक गई थी और 230 तक आई थी, शायद 230 तक लास्ट मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हुआ था, उसके बाद कट ऑफ बंद हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जा रही है। और इससे अलावा 2020 की बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ रही थी वो 198 तक बच्चों के एडमिशन हुए थे, बट 2020 में 230 तक ही बच्चों के एडमिशन हो पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जा रही है और कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन ही मैटर करते हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा DU BEd में या फिर नहीं हो पाएगा। आप पूरी जी जान लगा के साथ पढ़िए और बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं जितना भी हो सकेगा मेरी तरफ से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जितना भी मटेरियल होगा मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको एक भी जो वीडियो है वो मिस ना हो पाए और आपके पास सारी डिटेल्स अप टू डेट होती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।